वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्रेटा क्रेटा, वो भी टॉप मॉडल गाड़ी। टॉप मॉडल में देखिए काम कराने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि टॉप मॉडल में सब कुछ ही कंपनी का लगा होता है। बट लेकिन इंटीरियर जो होता है वो बेस मॉडल जैसा ही होता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। सो डेट कस्टमर राजस्थान से आए हैं, गाड़ी का काम करवा चुके थे पहले, कई वीडियो देखकर हमारे पास आए हैं, और उनको कुछ नया कंसेप्ट चाहिए था अपनी गाड़ी के लिए, कि बिल्कुल डिफरेंट लेवल का काम चाहिए था। सो डेट इनकी गाड़ी में थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का काम ही किया, पूरा इंटीरियर कस्टमाइज किया है। सो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि ये हमारा खुद का चैनल है, आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे ओरिजिनल वीडियो हम आप तक पहुँचा सकें। और प्लीज़ एक बार लाइक भी कर देना और कमेंट जरूर करना कि आपके पास कौन सी गाड़ी है और कौन सी गाड़ी का काम आप करवाना चाहते हैं। मैं आपको वही वीडियो बना के कैप्चर करके आप तक पहुंचाऊंगा और ओरिजिनल चीज़ें आप तक बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास और क्या क्या कंसेप्ट हम करते हैं आपकी गाड़ी के अंदर और क्या आपको चाहिए। तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। सो रेट अभी हमारे पास आई है गाड़ी क्रेटा, जो राजस्थान जयपुर से गाड़ी आई है। गाड़ी में क्या करना है, गाड़ी के अंदर हमारा काम जो है टॉप मॉडल गाड़ी, ऑलमोस्ट सब कुछ गाड़ी में हो रखा है। कस्टमर पहले काम करवा चुके हैं गाड़ी के अंदर से, सारा करोल बाग से ही करवाया है, मैं पर्टिकुलर शॉपकीपर का नाम नहीं बताऊंगा। सो डेट उनके काम से सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो मेरे पास गाड़ी जो आई है पूरे इंटीरियर के लिए आई है। दिखाता हूँ आपको इंटीरियर में क्या क्या होना है, पूरा इंटीरियर ऑलमोस्ट काम करवा चुके कस्टमर, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गाड़ी में चेंजेस क्या है जरे एक बार। सो पहले जो काम कराया हुआ कस्टमर ने, जैसे यहाँ पर लेदर रैप करवाया हुआ है, बेसिक जो वर्किंग होती है। उसके बाद डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर लेदर रैप हुआ हुआ है, सीटें बनवा रखी है पूरी। स्टेयरिंग की जो दिख फील है अभी आपको दिखा रहा हूँ, जैसे स्टेयरिंग का पूरा काम हो रखा है पहले गाड़ी के अंदर, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट करवा चुके हैं गाड़ी के अंदर। जो वर्किंग है अभी आपको बिफोर दिखा रहा हूँ मैं, टॉप मॉडल गाड़ी है, सनरूफ लगा हुआ ऊपर पूरा। सो अभी इनको प्रॉब्लम क्या है, ये पहले जो डैशबोर्ड का लेदर है ये छूट चुका था, ये वाला लेदर छूट चुका था, दोबारा इसको रिपेयर करवाया इन्होंने, दोबारा चीज़ें करवाई है। तो डिटेलिंग इनको जो है गाड़ी के अंदर इंटीरियर पसंद नहीं आ रहा, और थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको ये आ रही कि गाड़ी की जो क्वालिटी वर्क वो जो इनको होकर मिला है वो कभी छूट जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरे पास जो काम है अभी पूरा का पूरा गाड़ी का इंटीरियर जो आपको दिखा रहा हूँ, पूरा इंटीरियर ही चेंज होना है गाड़ी का। अभी इसमें से जो टैन कलर का इंटीरियर कन्वर्ट होगा, आपको बिफोर पिक्चर शो कर रहा हूँ, आफ्टर में कैसी गाड़ी बनेगी देखना जरूर, स्किप मत करना किसी भी चीज़ को, क्योंकि बहुत सुंदर गाड़ी बनने वाली है। सो मिलते हैं गाड़ी के बनने के बाद। सो अब गाड़ी हमारी हो गई है रेडी, बिल्कुल तैयार, क्योंकि आउटर तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ आउटर तो कुछ भी काम नहीं था गाड़ी में, गाड़ी में सिर्फ हमारा इनसाइड का काम था, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी जो है वो टॉप मॉडल कार है, टॉप मॉडल कार में कंपनी से सब कुछ लगा हुआ था, बट जो कस्टमर थे वो इंटीरियर से सेटिस्फाइड नहीं थे। सो दिखाता हूँ आपको इनसाइड में क्या काम हुआ है, तो चलते एक बार इंटीरियर में, मैं आपको एक झलक दिखलाता हूँ। ये देखिए, और जो गेट खोलने की जो फील है ना, ये देखिए, मतलब नजर हटा नहीं सकते आप इससे। सो मतलब मैं आपको पहले एक झलक दिखलाता हूँ गाड़ी की पूरी, उसके बाद आपको डिटेलिंग दिखाऊंगा कि पूरी गाड़ी में क्या क्या हुआ काम। ये देखिए, एक शॉट है कि आप सब देख सकते हो कि अब गाड़ी में क्या क्या हुआ है, बट डिटेलिंग में आपको सब चीज समझाता हूँ। उससे पहले आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी में टॉप मॉडल में सब बोलते हैं कि जी सनरूफ लगी हुई ऊपर, पैरानोमिक सनरूफ, पैरानोमिक सनरूफ में स्टार लाइटिंग का काम नहीं होता। तो ये देखिए, इसमें स्टार लाइटिंग का भी पूरा काम है, सारी ऊपर जो छत है हमारी, जो पूरा कॉर्नर साइड है हमारा, पूरा स्टार लाइटिंग का वर्क है, पूरा सिंगल कलर स्टेबल भी है इसके अंदर। और स्टार्ट करते हैं जरा डोर से हम लोग, डोर में इसमें क्या स्टार्ट काम किया जो भी हमने किया इसके अंदर, दिखाता हूँ। जैसे डोर जो था पहले पूरा ब्लैक था, जो मैं बिफोर पिक्चर में दिखा चुका हूँ आपको, इसको हमने पूरा का पूरा टैन कलर में कन्वर्ट किया है। उसके बाद जो यहाँ पर हमारा ये वाला पावर विंडो का पार्ट था, इसको हमने यहाँ पर वुडन के अंदर, जो एक वुडन जो रेशो आता है बेसिकली वुडन का, ब्लैक कलर में शेड में, उसमें कन्वर्ट किया है। उसके बाद जो ये वाला पार्ट था, मैट ब्लैक था पहले, इसको हमने पियानो ब्लैक में किया। एक इधर छोटी सी डिटेलिंग करी है हमने, जो ये पूरा जो एक सिल्वर कलर था, इसको हमने पियानो ब्लू में कन्वर्ट किया। और पूरा जो डोर एक फील है ना, और जो ऊपर वाला पार्ट है जो हमारा ये वाला, ये पियानो ब्लैक में। ओवरऑल जो एक पूरे डोर की जो लुक है ना, पहले बिल्कुल एक ब्लैकनेस जो डलनेस थी, और जो बिल्कुल ये मैट ब्लैक से पीस थे, इसको सबको एक ग्लोसी में, एक डिटेलिंग में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद जो डोर की लुक है ना, ये देखिए, एक बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल हो जाता है। इसको हम लग्जरी सेगमेंट में भी ले जा सकते हैं, और थोड़ा सा जैसे ब्लू डाल दिया तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स में भी चले जाता है। इनसाइड लेके चलता हूँ, एक एक डिटेलिंग आपको दिखाता हूँ इनसाइड में क्या हुआ है। तो थोड़ा एक बार बाहर से दोबारा एक बार झलक दिखलाता हूँ, जैसे इसकी सीट्स का डिजाइन देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो दिखाता हूँ आपको बैठ के गाड़ी के अंदर कि क्या क्या काम हुआ है इसमें। सो अभी हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर।
डोर मैं आपको दिखा चुका हूँ, पूरा जो डोर का कंसेप्ट हमारा हम दिखा चुके हैं आपको। इधर जो पिलर की बात करें, जो हमारा अपर पार्ट जितना भी है, ये वाला ये सारा ब्लैक में ही है, इसको हमने ब्लैक रखा है। ये वाला जो पार्ट था पहले लाइट शेड में था, जिसको हमने ये वाले पार्ट को पूरा ब्लैक में कन्वर्ट किया। छत पूरी ब्लैक करी है हमने, और स्टार्ट जैसे डैशबोर्ड वाला पार्ट है पूरा कोटिंग हुई हुई है यहाँ पर। ये वाले पार्ट को हमने पियानो ब्लू में कन्वर्ट किया है। इसका जो रिंग भी देख रहे हैं आप, उसको पियानो ब्लू में कन्वर्ट किया है। थोड़ा आगे आते हैं, जैसे यहाँ पर देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट था हमारा मैट फिनिश में था पहले, इसको हमने ग्लोसी पियानो ब्लैक में करके, जो इसका ये रिंग है इसको हमने पियानो ब्लू में कन्वर्ट किया, क्योंकि कॉम्बिनेशन हमारा पूरा जो ब्लू का कॉम्बिनेशन चल रहा है और पियानो ब्लैक का भी कॉम्बिनेशन चल रहा है। उसके बाद जो पूरा रो एक नीचे आते हैं, तो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये पूरा का पूरा जो रो है पूरी एक पियानो ब्लैक में कन्वर्ट है। नीचे एक छोटी डिटेलिंग है हमारी यहाँ पर, जो पियानो ब्लू के अंदर कन्वर्ट हुई हुई है। इनसाइड वाला पार्ट भी जो आप दिखाऊं आपको, तो ये देखिए ये भी पूरा पियानो ब्लैक के अंदर कन्वर्ट है पूरा का पूरा। ओवरऑल गाड़ी की जो पूरे के अंदर इंटीरियर जितना भी चीजें थी, जो फाइबर पार्ट था हमारा, जैसे सब पार्ट था, इस सब डिटेलिंग की गई है गाड़ी के अंदर। कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसके अंदर छोड़ी गई हो, और मतलब एक छोटी से छोटी चीज को भी अगर आप देखो तो छोटी से छोटी चीज को भी डिटेल में किया गया है। फुल इंटीरियर का मतलब होता है कि गाड़ी के अंदर आपका ओवरऑल जितना भी सेटअप है पूरा, चाहे वो छोटे से लेकर बड़े कोई भी पार्ट है, सबको करते हैं हम लोग। उसके बाद एक फ्रंट पे लेकर आते हैं ना, जो स्टेयरिंग की जो फील है, ये देखिए, मतलब इसके ऊपर से तो आप नजर हटा ही नहीं सकते कि बिल्कुल ही डिफरेंट की फील है इसके अंदर। लेदर का बिल्कुल एक स्टेयरिंग रैप है, और उसके बाद जो डिटेलिंग में हमारा ये सिल्वर था, इसको हमने पियानो ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर बात करें तो इसको पियानो ब्लैक में कन्वर्ट किया। जो ऊपर वाला हमारा पार्ट था, इसको हमने हमारे पावर विंडो के जो पीसीस है, ये वुडन शेड वाला, इससे मैच करा है। इधर देखिए, मतलब अब स्टेयरिंग है, जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं ना, तो आपने जब एक स्टेयरिंग पकड़ के गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो इसकी ना फील ही बिल्कुल अलग है। मतलब आप इसको ना नेक्स्ट लेवल कह सकते हैं, कि मतलब आप एक स्पोर्ट्स कार भी चला रहे हैं या एक लग्जरी सेगमेंट में बैठे हुए हैं आप, तो बिल्कुल वो वाली फील है इसके अंदर आपकी। और अब बात करता हूँ, जो आपको दिखाता हूँ कि जो इसका अपर वाला जो जितना भी पार्ट काम हुआ, जो एक तरह इसमें कंपनी से जो ये लगी हुई आई थी इसके अंदर सनग्लास होल्डर, इसको भी हमने इधर देखिए वुडन के अंदर ही कन्वर्ट किया, देखिए पूरा का पूरा। और सो डेट जो इसकी छत थी पहले, ये ब्लैक नहीं थी, ये लाइट शेड ये सेम कलर था, तो इसको हमने ब्लैक किए। बीच वाला पार्ट हमने नहीं छेड़ा है, क्योंकि ये हमारा सनरूफ वाला फोल्डिंग पार्ट है, तो इसको नहीं छेड़ा है हमने। आउटर पार्ट पूरा करने के बाद हमने इसके अंदर लाइटिंग का काम किया पूरा का पूरा। इसमें आप सिंगल कलर और मल्टी कलर कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। सीटों की बात करें तो सीट कवर में डिजाइन मैं आपको फ्रंट में दिखा चुका हूँ, रियर वाला डिजाइन पैटर्न हमारा ये रहा, पूरा ब्लैक के कॉम्बिनेशन के अंदर काम किया हमने। सो इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बता दूं, कि ये गाड़ी जो मैं बता रहे सॉरी गाड़ी जो हमने बनाई है, और इस गाड़ी की जो हम वीडियो बना के आप तक पहुंचा रहे हैं, ये हमारी खुद की कैप्चर वीडियो है। शायद इसके अंदर इतनी एडिटिंग नहीं होगी, इतनी चीजें नहीं होंगी, बस इसीलिए कि डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको आपकी गाड़ी की ओरिजिनल चीजें देखने को मिले, ओरिजिनल वीडियोस मिले, कि जो भी काम आपको अपनी गाड़ी के लिए चाहिए, प्लीज मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि कौन सी कार आपके पास है, मैं वो वाली गाड़ी कैप्चर करके आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब एक बार मैं आपको बाहर से एक बार फील दिखाता हूँ गाड़ी की, जो बाहर निकलने के बाद गाड़ी में क्या फील। ये देखिए, मतलब आप गाड़ी में या आपकी गाड़ी में कोई बैठ रहा है, या आप कहीं गेट खोल रहे हैं, कहीं आप खड़े हैं गाड़ी के पास और आपने गेट खोल दिया, तो भैया भीड़ लगने वाली है आपकी गाड़ी के पास। ये देखिए सेटअप ऐसा है कि क्रेटा जब सर्विस के लिए भी कंपनी में जाती है ना, तो वहां पर भी लोग इसको रोक के ना कैप्चर करते हैं कि जी गाड़ी बिल्कुल एक कंसेप्ट ही पूरा चेंज है। देखिए बैक की बात करें तो बैक में लेके चलते हैं, बैक में भी सेम वर्किंग है पूरी की पूरी, जो वर्किंग आपके फ्रंट में हमारी बैक में, डोर कंसेप्ट भी सेम है बिल्कुल, और वही पियानो ब्लू का कंसेप्ट, पियानो ब्लैक और वुडन वाला कंसेप्ट है पूरा का पूरा। इधर कंपनी फिटेड इनका रोलिंग कर्टेन भी है, जो इनसाइड लगा हुआ पूरा। और बात करें जो ये वाले पार्ट हमारा, जो ये पीछे वाला जो ग्रेसी ग्रिल है, इसके अंदर भी पियानो ब्लैक करके इसको पियानो ब्लू में कन्वर्ट किया है। ये नीचे वाला पार्ट भी देखिए, डिटेलिंग की बात करें ना, तो ब्लू एक हाईलाइटिंग पे है, मतलब अगर आप गाड़ी में देखेंगे ना, तो ब्लू एक अलग ही आई कैचिंग हो रहा है, ये देखिए। और स्टार लाइटिंग की बात करें तो ये देखिए स्टार लाइटिंग की जो फील है ना, मतलब बहुत ही जबरदस्त। बैक साइड में डिग्गी में लेके चलता हूँ कि बूट में क्या, तो ये हमारा बूट कंसेप्ट है। बूट कंसेप्ट में हमारा जितना फाइबर पार्ट है, ये वाला सारा कन्वर्ट हुआ हुआ है। इधर ये जो प्लास्टिक पार्ट था, पियानो ब्लैक में हुआ हुआ है। नीचे की बात करें तो जितने भी साइड के कॉर्नर, ये हमारे फाइबर जितने भी पीसेस है प्लास्टिक वाले, ये सारे के सारे कलर कॉम्बिनेशन सेम हुआ हुआ है। इधर नीचे बात करें तो जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, ये देखिए, ये नीचे तक का जितना पार्ट है, ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन सेम कलर में हुआ है, क्योंकि इंटीरियर फुल इंटीरियर मींस कि कॉर्नर टू कॉर्नर की डिटेलिंग। सो एक बार आपको यहां से एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए फील।
तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास टॉप मॉडल है या बेस मॉडल में, तो ये सनरूफ वाला काम हो जाता है। अगर आप सोच रहे हैं आपके पास टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल में लाइटिंग वाला काम नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल है, ये हम कर देते हैं और होता है इजिली, कोई इशू नहीं आता, कुछ नहीं आता, क्योंकि हमने सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर छत खोली है। सनरूफ वाला पार्ट को हम छेड़ते नहीं बिल्कुल भी, वो एडेड है आपका इसके अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ नहीं होती। आप भी अपनी गाड़ी के अंदर स्टार लाइटिंग और इंटीरियर करवा सकते हैं, कोई भी गाड़ी है आपकी चाहे। ये गाड़ी का जो पूरा इंटीरियर आपको दिखाया मैंने अभी, ये गाड़ी हमारे पास राजस्थान जयपुर से आई हुई है। कस्टमर ने भी पहले वीडियो देखी थी हमारी, वीडियो देख के काम कराने के लिए आए। एक बार मैं आपको कस्टमर का रिव्यू भी दूंगा, कस्टमर अभी आने वाले हैं, गाड़ी डिलीवर करने वाला हूँ, पहले वो देख ले एक बार गाड़ी को कैसी गाड़ी बनी है, फिर आपको दिखाता हूँ उनका रिव्यू क्या है। मिलते हैं कस्टमर से। भैया आए हैं, भैया कहाँ से आए हैं आप? सर मैं जयपुर से आया हूँ। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला हमारे बारे में कि हम लोग गाड़ी का काम करते हैं, इंटीरियर करते हैं? सर मैंने यूट्यूब में आपका वीडियो देखे थे जी, कितने की गाड़ियाँ आपने बहुत अच्छी गाड़ियाँ बनाई थी। अच्छा जी, तो यूट्यूब को देख के, चैनल को देख के, और जो आपकी गाड़ियाँ जितनी भी आज तक आपने बनाई बहुत अच्छी गाड़ियाँ थी, उसको देखकर हम यहाँ पहुँचे। अब क्या है, अब तो सर प्रैक्टिकली है, रियल में जो आपकी गाड़ी बनी है, देखो आपने तो अब तक वीडियो देखी थी, अब तो सामने आपकी गाड़ी है, तो क्या रिव्यू सर आपका, क्या कहना चाहेंगे अपनी गाड़ी के लिए, आपकी कैसी गाड़ी बनी है आपकी? जो एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास टॉप गाड़ी बनी है और रिव्यू 10 में से 10 नंबर। देखिए कई लोग जैसे बोलते हैं सर वीडियो में देखा तो शायद हो सकता है कुछ अलग लग रहा था, लेकिन लाइव देखा तो कुछ अलग लग रहा है। नहीं तो, नहीं इसमें दोनों ही ओके है, जो मैंने जो बल्कि मैंने वीडियो में देखा उससे ज्यादा मैं लाइव देख रहा हूँ, तो उससे ज्यादा अच्छी गाड़ी लग रही है। तो कितने नंबर देना चाहेंगे सर आप 10 में से? 10 में से 10 नंबर सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग।